हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वंशिता क्लासेस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए, आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। पहले हमने फ्रैक्शन किया हुआ है, उसी से रिलेटेड है, बस हमारे पास यहाँ पे क्या आया, डिवाइड का साइन। तो देखिए, हमारे पास यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन है। पहले हम होल ओपन करेंगे। 8 × 2 = 16, 16 + 4 = 20 अपॉन 8 डिवाइड 2 × 4 + 1 = 5/2 देन 20/8। अब देखिए, यहाँ पर जो हमारा डिवाइड का साइन है उसको हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे मल्टी साइन पे, बिकॉज जो हमारे पास डिवाइड के बाद नंबर है, फ्रैक्शन नंबर, उसे हम रेसिप्रोकल करने वाले हैं। तो रेसिप्रोकल करने पर क्या होगा, 2/5। रेसिप्रोकल मीन्स यही होता है कि न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर बनाना और डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बनाना। अब हम क्या करेंगे, इसे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 × 2 = 2, 2 × 4 = 8, 5 × 5 = 5, 5 × 4 = 20 देन 4 × 4 = 4। अब देखिए, सब कट हो गई है हमारे। अब क्या करेंगे, हम न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टी, 1 × 1 = 1, देन अगेन 1 × 1 = 1। अब 1/1 मीन्स 1 इज अवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 4 whole 35/4 / 2 whole 1/2। पहले हमने यहाँ पर देखिए होल ओपन किया। नेक्स्ट स्टेप में सिमिलरली 51/4 divide से हम क्या चेंज करेंगे, मल्टी, और नेक्स्ट हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करने के बाद हम क्या करते हैं, कट करते हैं। 2 × 2 = 2, 2 × 4। अब देखिए, 51 और 2 सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे, 51 और 5 ये भी सेम टेबल से कैंसिल नहीं हो रहे, देन क्या करेंगे हम, मल्टी। आपको बताया हुआ है मैंने, न्यूमिनेटर हमेशा न्यूमिनेटर से मल्टी होता है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से किया जाता है। तो 51 × 1 = 51/2 × 5 = 10। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 51। तो देखिए, 10 × 5 = 50, कट करेंगे, 10 कट किया तो 1। ये देखिए हमारा हुआ रिमाइंडर, ये हुआ हमारा क्वेश्चन। अब मिक्स फ्रैक्शन में लिख रहे हैं, 5 whole 1/10 इज अवर आंसर। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैं आपको सॉल्व करने के लिए दूंगी, और कोई क्वेरी हो तो प्लीज मुझसे डिस्कस करिए। और आपको इस वीडियो से कुछ समझ आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।